हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, टॉपिक है, जानेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, अर्जेंट मैसेजेस पता करेंगे डिवाइन की तरफ से। स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करें और देखते हैं क्या आता है। शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप यहां तक पहुंचे देख सकते हैं आप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए? एक्सपेंशन, एक्सेप्टेंस, इम्पास, अबेंडेंस। ट्रिकरी, डेस्टिनी, क्वेस्ट, जॉय। कंप्लासेंसी, ओके। गाइज, यहाँ पर जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, ये जो मैसेजेस आए हैं आपके लिए, देखिए पहली बात तो ये है कि आपके चारों तरफ डिवाइन की प्रोटेक्शन है। आप देख रहे हैं जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हैं खुश होकर, या फिर अपनी जो भी सिचुएशन है आपकी उसको आपने एक्सेप्ट किया है, और डिवाइन इस टाइम पूरे चारों तरफ आपके एक प्रोटेक्शन की लेयर दिख रही है। डिवाइन आपके आसपास रहते हैं, आपको फुल प्रोटेक्शन मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। पहली बात तो ये है, आपने जिस भी तरीके से अपनी जो लाइफ है उसको जो एक्सेप्ट किया है, अपने सारे हार्डशिप्स, स्ट्रगल, ठीक है, अपना पेन, हर चीज़ आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यकीन मानिए डेस्टिनी तक ऐसे ही पहुँचा जाएगा और आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, डेस्टिनी बिल्कुल आपकी, जो डेस्टिनी में लिखा है वो चीज़ें आपको मिलेगी। आपका सोल एक्सपेंशन हो रहा है राइट नाउ, और आप खुद से भी इसको बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करें, नई चीज़ें हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपका सोल एक्सपेंशन भी हो रहा है इस टाइम। मुझे लगता है इतनी नॉलेज आपको है कि क्या कहना चाहिए और क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि आप अपने पीस को बचा सकें, रोए ना, परेशान ना हो। देखो, हो सकता है अपनी लव लाइफ से भी डिस्टर्ब हो क्योंकि आपके पार्टनर दूर दिख रहे हैं आपसे, लेकिन ट्रस्ट में ये पर्सन आपके पास आएंगे, ये आपको एकदम से सरप्राइज देंगे, ये पर्सन आपके पास आएंगे इस टाइम। जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपके ड्रीम में अगर ये पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है, और ड्रीम अगर पॉजिटिव दिख रहा है और ये पार्टनर आ रहे हैं, तो ये डिवाइन की तरफ से बहुत बड़ा साइन है। सपोज दैट आपके पार्टनर सब, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि ड्रीम से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे आपके पार्ट, आपको ना कास्ट का बहुत ज़्यादा इशू है कि आपके पार्टनर को आपकी कास्ट पता चल जाएगी, या वो अगर कास्ट पता है तो वो इस चीज़ को कहीं कंसर्न ना ले लें बहुत बड़ा और इसकी वजह से मना ना कर दें। तो अगर डिवाइन ने सपना दिखाया है, कास्ट एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं बता रही हूँ कि आपके मन में कुछ डर है कि आपके पार्टनर को ये बात पता चलेगी तो वो शायद इस चीज़ का मुद्दा बना के मना कर दें आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, या फिर उनको मजबूरन मना करना पड़ जाएगा कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे में अगर डिवाइन ने आपको सपना दिखाया आपके पार्टनर का, और आपके पार्टनर आपको ड्रीम में कह रहे हैं कि उन्हें मैटर ही नहीं करती हैं ये बातें, कास्ट वगैरह वगैरह उनको फिक्र नहीं है, अमीरी गरीबी का उनको कुछ नहीं है, और ड्रीम में वो आपका हाथ पकड़े हुए हैं, मतलब आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है ड्रीम में कि चाहे कैसे भी कंडीशन हो जाए आपके पार्टनर कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ से भेजा गया एक साइन है कि आपको इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, बस अपना काम करना है, अपने एक्सपेंशन पर फोकस करना है। ठीक है, नंबर वन थिंग, अगर आपको ड्रीम में इस पार्टनर का जो बिहेवियर है वो रूड दिख रहा है, वो आपको छोड़ने की बात कर रहे हैं, आपके पास आ नहीं रहे हैं, आप में कमियां निकालते हुए दिख रहे हैं आपको ड्रीम में,
इसका मतलब ये भी भगवान की तरफ से साइन है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए और अपनी अपने सोल एक्सपेंशन और अपनी अबंडेंस पर फोकस करना चाहिए। अपनी लाइफ में आपको जॉय लेकर आना चाहिए। तो दोनों तरीके के अगर ड्रीम किसी को भी दिख रहे हैं तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि ये क्या साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, क्योंकि अगर आपको ड्रीम आ रहा है पार्टनर का तो वो किस तरह का आ रहा है, अब आप देखिए कि आपको रुकना है या आपको मूव ऑन करना है। अबंडेंस आपको मिलकर रहेगा, डिवाइन आपके चारों तरफ हैं, प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन की प्रोटेक्शन मुझे पूरी पूरी आपके पास दिख रही है। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, आप और आपके लव्ड वन बिल्कुल सेफ हैं, आप भी सेफ हैं, आपके चाहने वाले जो हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, वो भी सेफ हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। इस टाइम आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, आप लाइफ के चैलेंजेस को कितने कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर रहे हैं, कितना स्ट्रेस एंजाइटी को दूर कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है इस टाइम। कॉन्फिडेंस बना के रखिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बोल्ड बनिए, स्टेप लें आगे के, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इजी लगती हैं, देखो जो चीज़ें आपको इजी लगने लग गई है ना, उनमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लेकर आओ, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। सपोज दैट आप जैसे अभी मैं स्टडी से ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सपोज दैट आप राइटिंग लिखते हो, कोई भी एसे या पैराग्राफ, कोई आर्टिकल आप लिखते हो और आपकी वोकैबलरी ठीक ठाक है, आप अच्छे वर्ड्स और अच्छे सेंटेंस बना पाते हो, लेकिन आपको पता है क्या करना है, अब आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए और इस तरह की राइटिंग आप लिख सकते हो, लेकिन डिवाइन चाहते हैं आप और एडवांस लेवल का कुछ लिखें, तो आपको और नई वोकैबलरी सीखनी पड़ सकती है और नया कुछ ट्राई करना पड़ सकता है, ताकि आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव आर्टिकल्स, पैराग्राफ्स, एसे वगैरह लिखें। तो वही वाली बात हो गई है, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कुछ और सीखने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो गाइस सीखो, ये तो मैंने एग्जाम्पल स्टडी का दिया है, बट अब आप देखो आप किस एरिया में काम कर रहे हो, फिर वहीं से सोचो कि आपको और क्या एनहांस करना पड़ सकता है और नया कुछ सीखना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये वाली बातें भी दिख रही हैं यहाँ पर। वेरी सून लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जल्दी ही आ सकते हैं। ट्रू लव, ट्रू लव, अगर यहाँ पर जो भी सिंगल हैं उनकी लाइफ में ट्रू लव आ सकता है, बाकी तो लोग अपने जो हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं, ट्रू लव से मिल चुके हैं, तो वेरी सून कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। देखो रिलीजियस फैक्टर आ गया, बट ट्रू लव में ये फैक्टर मैटर नहीं करते, ओके। सेपरेशन चल रहा है, बट वेरी सून, अच्छा वेरी सून सेपरेशन खत्म हो सकता है आपका, ये चीज़ें दिख रही हैं, ओके। एंड फाइनेंसेस एंड करियर भी जल्दी ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। कुछ के लिए नया लव हो सकता है, जो बहुत टाइम से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से सिंगल हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। डिवाइन दर्शन, ओके, ड्रीम में पार्टनर आ रहे हैं, आप डिवाइन भी आएंगे, आपको डिवाइन दर्शन हो सकते हैं, ड्रीम में हो सकते हैं। बी ओपन, ओपन रहिए, तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी डिवाइन की, ठीक है। ओपन रहिए, स्ट्रेस माइंड से बिल्कुल निकाल दें, खुश रहने की कोशिश करें, अभी टफ टाइम है बट ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करें, कुछ भी गलत ना कहें, जल्दी आपका प्लेस भी चेंज हो सकता है, जल्दी आप मूव कर सकते हैं, जल्दी आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, ट्रू लव है आपका, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ
चाहे अभी हो ना हो, लेकिन फिर भी आपके लिए मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। अबंडेंस आने के चांसेस हैं, जल्दी ही आ जाएगी अबंडेंस भी। आपका हार्डवर्क बिल्कुल पे हो रहा है और ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, डोंट वरी। अबंडेंस भी आएगी, लव भी आएगा, ट्रू लव है तो जरूर आएगा। डिवाइन दर्शन भी अब होने शुरू हो जाएंगे और रिलैक्स होकर मैनिफेस्ट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, सब अपनी डिवाइन टाइमिंग पर चीज़ें हो जानी हैं। ओके, तो यही थे कुछ अर्जेंट मैसेजेस। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।